हेलो दोस्तों, उपस्थितों नई जानकारी के साथ और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ एजिट रेड 500 एमजी टैबलेट के बारे में। इसको मैन्युफैक्चर करती है जोवाटिका बायोटेक और इसके प्राइस की बात करें तो 117 रुपये है पर 5 टैबलेट। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एजिट्रेड 500 एमजी टैबलेट किन किन समस्याओं में काम में ली जाती है और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इसमें मौजूद कंटेंट की बात करें तो इसमें है एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी। दोस्तों ये टैबलेट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, जैसे कि स्किन संबंधी इन्फेक्शन जिसमें मुहासे या फिर स्किन संबंधी कोई दूसरी समस्या है, तो ये उसमें बैक्टीरिया को मार करके स्किन संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है। इसके अलावा दोस्तों कान, नाक, गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी ये टेबलेट डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी ये टेबलेट उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा जैक इचिंग या फिर कई समस्याओं में ये टेबलेट डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। और दोस्तों इस टेबलेट की अगर डोज की बात करें तो रोज़ाना एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में, और आपको इसे दिन में एक बार ही लेना चाहिए। और अगर इस टेबलेट को लेने की समय अवधि की बात करें तो डॉक्टर इसे 5 दिन लेने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, पीलिया है या फिर लीवर संबंधित कोई समस्या है तो फिर ये टेबलेट लेने से पहले आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इस टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे लूज मोशन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, मतली, उल्टी, इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा चक्कर आना या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट्स अस्थायी होते हैं और हर किसी में नहीं देखे जाते हैं, महज कुछ मामलों में ही होते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।